गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसा कि मेरा एक सेशन है वीडियो एडिटिंग पे, आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं या हम कैसे एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाए, चाहे किसी भी उसके लिए हो, टॉपिक के लिए हो, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो या स्टोरीज हो, उसके लिए हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें है क्या, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर हो गया चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, क्या इसके टूल्स हैं, इस सभी चीज़ों का बारे में हम इसमें जानेंगे। इस डिजिटल युग में खासकर एजुकेशन को तो वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा इस टाइम, जैसे कहते हैं जो हमारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस मोड पे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स से या किसी से मिले, तो ये हमारे लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसी के उसमें हम वीडियो एडिटिंग के कुछ टूल्स और उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो एडिटिंग से पहले हमको कैमरे के बारे में जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का काम तब शुरू होता है, पहले हमें किसी भी चीज़ को शूट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, और उसमें कैमरे का पहला रोल होता है। तो कैमरे के बारे में हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना उसके लिए ज़रूरी है, कि हमें किस फॉर्मेट में से रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें रिकॉर्डिंग करनी है, क्या हमें ऑडियो उसमें रखना है, क्या हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और ये चीज़ हमें कैमरे में, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हों, तो हमें ये चीज़ सारी ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी हम किसी फिल्म के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन यानी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि अगर हम सपोज़ वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर को, तो उसके लिए हमारे पास क्रोमा सेटअप होना चाहिए, ताकि हम उसको बैकग्राउंड को उसको चेंज कर सकें उसके हिसाब से। उसके बाद हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी जो होनी चाहिए कैमरे की, जैसे HD है, जो उसके फॉर्मेट है HD है, DV फॉर्मेट है, इन फॉर्मेट को हमको पहले ही कैमरे में रिकॉर्डिंग के दौरान सेट करना पड़ता है, ताकि हम जो है अच्छी क्वालिटी के साथ उसको आउट निकाल पाएं, कैमरे से रिकॉर्डिंग अच्छी कर पाएं। सर, जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो पहला, अगर हम अच्छी क्वालिटी में वीडियो चाहिए तो हम उसको नॉर्मली आजकल HD में ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी 1080x1920 में हमको उसको रिकॉर्ड करना होता है, ताकि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो प्रॉपर बनी रहे। HD में भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, आपका 1080x1280 होता है, 1080x1920 होता है, तो वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा कैमरा या हमारा जो रिकॉर्डिंग के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो किस क्वालिटी का है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमें उस पर ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हमें ऑडियो प्रॉपर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं कैमरे पे, तो हमें प्रॉपर चेक करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के बाद आप अगर उसकी ऑडियो आपके पास नहीं आए, या आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं ले पाए, तो बाद में आपको वो वीडियो आपके यूज़ का नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें बाद में उसको इनबिल्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिप सिंक की दिक्कत होती है, उसकी जो लिप सिंक उसके साथ सिंक नहीं हो पाती है वीडियो के साथ। और उसी तरह से आप उसकी जो हम नॉर्मल उसमें रिकॉर्ड करते हैं, जैसे DV में हम जब करेंगे, जो 720x576 में होता है, उसमें हमारी लो क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसमें हाई क्वालिटी में हमारी नहीं हो पाती। उसके बाद 4K है, 4K पे भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो फिर उसके लिए हमको बहुत लेंथी सेटअप चाहिए होता है। हम ये कहें कि हम घर पे कैसे उसे रिकॉर्ड कर पाएं एक छोटे से सेटअप में या कम उसमें, तो हमारे पास आजकल मोस्टली सबके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, उनके पास कैमरे होते हैं, तो हम उससे भी इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब उसमें रिकॉर्ड करने के बाद उसमें ऑडियो कैसे प्रॉपर आए,
उसमें ऑडियो की कोई डिस्टरबेंस ना आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आप या तो एक ईयरफोन उसमें कनेक्ट करके ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ या ऑडियो डिवाइस के साथ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियो प्रॉपर उसमें आए और आपको कोई आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे एक बेसिक चीज़ें हैं कि जो हमें एडिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कैम रिकॉर्डिंग के दौरान जब हमारा कैमरा जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कैमरे उसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो। उसके साथ ही एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम जब हमारा ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका होता है, खासकर जब हम क्रोमा वगैरह पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमको एक ड्रेस का भी थोड़ा उसमें ध्यान रखना होता है कि जिस कलर का हमारा क्रोमा हो, मोस्टली क्रोमा दो ही कलर का होता है, ये तो ग्रीन कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा। तो हम जो भी उस वीडियो जिसकी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बैठा हुआ है, वो उस ड्रेस को देखे कि उस कलर का कोई भी उस पे उसमें ड्रेस ना हो, यानी कि उसकी पैंट या शर्ट कोई भी इस तरह से ना हो कि जो उस कलर को मैच करता हो। क्योंकि जब जब एडिटर क्रोमा की करेगा, उसको बैकग्राउंड रिमूव करेगा, तो वो उस कलर को पिक कर लेगा, यानी वो चीज़ हट जाएगी। तो इसलिए हमेशा उससे डिफरेंट कलर का हमें जो है उससे डिफरेंट कलर का ही कलर यूज करना चाहिए रिकॉर्डिंग के दौरान। ये क्रोमा के लिए है। और अगर आप आउटडोर में से शूट करते हैं, तो आउटडोर में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है, तो आपको डार्क ड्रेसेस में होना है, या फिर आप डार्क है तो ड्रेस डार्क है तो बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट ही होना चाहिए। ये हमारे रिकॉर्डिंग के दौरान बेसिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, ताकि हम जब एडिट पर बैठे उन चीज़ों को, तो एडिट करते समय हम हमारे ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएं और एडिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक आधा काम जो है एडिटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही हो जाता है। अगर वो सही ढंग से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो एडिटिंग के दौरान उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसलिए हमें ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी चाहिए रिकॉर्डिंग के दौरान। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद जो काम शुरू होता है, वो होता है एडिटिंग का। अब हमको ये जानना जरूरी है कि एडिटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है उसमें, मतलब हमने अगर कुछ चीज़ शूट कर लिया, तो क्यों हमें उसमें एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, या कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक एडिटिंग के बारे में ले लें कि एडिटिंग है क्या। तो बेसिकली एडिटिंग एक टेक्निकल और एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है, जो एक वीडियो ग्रुप है, वीडियो ग्रुप है जिसको हम एक ओरिजिनल वर्जन से नए वर्जन में क्रिएट करते हैं। ये उस पूरी प्रोसेस को हम वीडियो एडिटिंग कहते हैं। अब टेक्निकल और आर्टिस्टिक दोनों प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस में आपकी हो गई कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर पे आपको अच्छी कमांड्स होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे किसी भी सॉफ्टवेयर पे अच्छे से एडिटिंग कर पाए। तो ये हमारा टेक्निकल टर्म होगी। और आर्टिस्टिक में आपको जो है कट पॉइंट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका कट कहाँ पे लगता है। नॉर्मली एडिट कोई भी कर सकता है, अगर सॉफ्टवेयर उसको आता है तो वो कर सकता है, लेकिन मेन होता है कि आपका एडिटिंग सेंस क्या है। आपको कट पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन सा कट कहाँ पे लगना है, कौन सा इफेक्ट कहाँ पे लगना है। जब हम नॉर्मली वीडियो एडिटिंग में बैठते हैं, तो एक बात आती है कि इफेक्ट यूज कर दीजिए या इफेक्ट लगा दीजिए, लेकिन आपका ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि उस स्टोरी में कौन सा इफेक्ट लगना है, यानी पहले सीक्वेंस में, जब दूसरे सीक्वेंस में हम जा रहे हैं, तो उस पे इफेक्ट उसको जोड़ने वाला कौन सा इफेक्ट होगी जो वो गलत ना हो, या उसको
उस पे सेट बैठे। तो ये एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है जिसमें आपका कट पॉइंट, आपका म्यूजिक सेंस, ये सारी चीजें उसमें आती हैं वीडियो एडिटिंग में। जितना सा ओरिजिनल वीडियो फुटेज जो हमारी होती है उसमें से क्या करते हैं कि जो अनवांटेड फुटेज होती है, जो हमें फुटेज चाहिए नहीं, हमें तो एग्जिट फुटेज चाहिए, उसको हम एक साइड करते हैं, बाकी को हम एडिट करके रिमूव कर देते हैं उससे। तो ये एक वीडियो एडिटिंग की ये वीडियो एडिटिंग होती है जिसमें टोटली ये प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है कि हमें क्या क्या चीज की इसमें जरूरत होती है, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाए। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर में मिनिमम हमें 8 से 32 GB रैम के लिए चाहिए होती है, यानी मिनिमम 8 GB की रैम आपके सिस्टम में हो, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी हो, आप 8 GB की और मिनिमम मैक्सिमम 32 GB तक होनी चाहिए। जितनी रैम जितना अच्छा होगा आपका, ऑटोमेटिकली ये कि आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। प्रोसेसर आपका मल्टी कोर का होना चाहिए, i5 i7 कम से कम आपका प्रोसेसर उसका हो। स्टोरेज के लिए आपके पास 256 GB भी हो, 1 TB भी है उसके लिए स्टोरेज के लिए। स्टोरेज आपके डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से आपको उसको स्टोरेज यूज लगा सकते हैं। उस पर अगर SSD हो तो SSD से आपका सिस्टम और स्मूथ चलेगा, तो आप SSD उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका ग्राफिक कार्ड, यानी आपके सिस्टम में एक ग्राफिक कार्ड का होना जरूरी है। अगर आपके एडिटिंग के सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो वो आपके किसी भी ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करेगा, यानी आप किसी जब एडिटिंग के दौरान कुछ टैक्स लिखेंगे या कुछ उसमें ग्राफिकली कुछ एनिमेटेड कुछ लगाना चाहेंगे तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। तो ग्राफिक कार्ड आपके पास एटलीस्ट 2 GB का उसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। OS विंडोज 7 64-bit का हो, मैक OS 10 लिनक्स वगैरह का आप लगा सकते हैं। 21 इंची मिनिमम आपके पास जो मॉनिटर है वो 21 इंची होना चाहिए, और HD में हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नॉर्मल आप यूज उसे कर सकते हैं। तो ये कुछ हार्डवेयर हैं जो हमको उसके लिए वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए होती हैं, और इससे हम बहुत स्मूथली वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। आप इससे कम उसमें कॉन्फ़िगरेशन में अगर वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा और वो आप कर नहीं पाएंगे ढंग से। एक अच्छी वीडियो क्वालिटी जो है आपके लिए ये हार्डवेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर सॉफ्टवेयर की, तो वीडियो एडिटिंग के बहुत सॉफ्टवेयर इस टाइम अवेलेबल है, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जैसे आप फाइनल कट प्रो यूज कर सकते हैं, आप अडोब प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हैं, आप वेलोसिटी स्टूडियो यूज कर सकते हैं, पिनेकल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, TDS कर सकते हैं, वीडियो लैंड मूवी क्रिएटर है उसको कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें से कुछ पेड हैं जो कि आप ट्रायल वर्जन के लिए कुछ दिन के लिए ही यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसको खरीदना पड़ेगा तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। जबकि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओपन सॉफ्ट है, वर्चुअल डब है, विडियट है, विट कटर है, काइन मास्टर है, इनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसमें कि आपके पूरे प्लगइन्स नहीं होते, प्लगइन्स इन द सेंस कि आप उसमें कुछ इफेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेड जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें आपको काफ़ी इफेक्ट मिलते हैं, काफ़ी आपको वैरायटीज मिलती हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव कर सकते हैं। जबकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती, उसमें बेसिक टूल्स ही आपको मिलेंगे, जैसे ट्रिम का मिल जाएगा, कंपाइल करने के लिए मिल जाएगा, सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी होती हैं।
ये आपके कुछ ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि वीडियो एडिटिंग टूल्स, वीडियो एडिटिंग के टूल्स क्या क्या टूल्स हैं, आप बहुत सारे टूल्स होते हैं जो वीडियो एडिटिंग के अलग अलग तरह के हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जो आप एडिटिंग का जब हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसके अंदर टूल्स होते हैं हमारे, कि हम किस किस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम चार पांच टूल्स होते हैं जिनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रिम है, ब्लेड, ट्रिम या ब्लेड टूल्स हम कह सकते हैं। ट्रिम और ब्लेड टूल्स दोनों एक ही काम करते हैं, यानी किसी भी वीडियो को ट्रिम करने के लिए या ब्लेड टूल कट करने के लिए, यानी किसी जो एक हमारी जो वीडियो है उसमें से जो हमें अनवांटेड फुटेज हटानी है उसको बीच कट करना है, तो हमें ब्लेड टूल से जहाँ तक चाहिए वहां से और जहाँ से चाहिए वहां तक बीच में उस पर कट मार के ही उसको वहां से रिमूव करना होगा, तो उसके लिए हम ब्लेड टूल का यूज करते हैं। हमारे पास दूसरा है सिलेक्शन टूल, मैं दूसरा हमारे पास है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में हम क्या करेंगे, जब हम ब्लेड टूल से उस पर कट कर देंगे दोनों साइड से, तो हमको सेलेक्ट करना होगा तभी हम उसे रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कट नहीं पाएंगे। कट मारने के बाद हमारे पास उस पर तीन पोर्शन हो गए, एक फर्स्ट, मिड और लास्ट, तो हमें मिड का हटाना है, तो उसको हमको सिलेक्शन टूल का उसमें यूज करना होगा। तो सिलेक्शन टूल उसमें हम यूज करेंगे, और सिलेक्शन टूल से जब हम उसको सेलेक्ट कर देंगे तो हम उसको फिर वहां से रिमूव कर देंगे, डिलीट की से हम उसे हटा देंगे वहां पे। तीसरा है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल भी हमारे उसमें बहुत मायने रखता है एडिटिंग में, क्योंकि बिना पेन टूल के आप कुछ भी चीज उसमें नहीं कर पाएंगे। आपको ऑडियो उस, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में खाली वीडियो वीडियो एडिट नहीं होती, उसमें एक ट्रैक ऑडियो की, दो ट्रैक हमारे पास होती है ऑडियो और वीडियो की, तो हमें वीडियो भी एडिट करनी होती, ऑडियो भी एडिट करनी होती है उसमें। तो ऑडियो की ट्रैक को, ऑडियो को कम ज़्यादा जब उसको लेवल किया जाता है, वो आप ऑडियो एडिटिंग में ज़्यादा मतलब ऑडियो एडिटिंग में आपको बता दिया जाएगा। जब उसको टूल को हम ऑडियो को हम लेवल करते हैं, तो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कई बार हमारी पिच ज़्यादा होती है लेकिन एक लेवल में नहीं होती, वो ऑडियो ब्लास्ट हो रही थी, तो वहाँ पे हम पैन टूल का यूज़ करते हैं कि उस पॉइंट को हम डाउन कर लेते हैं, जहाँ पे ऑडियो ब्लास्ट होती है उस एक उस पॉइंट को पकड़ के हम उसको डाउन कर लेते हैं, तो वो उसके लिए हम पैन टूल का यूज़ करते हैं। या हमें वीडियो की ऑपेसिटी कम करनी है कहीं पे एक निश्चित पॉइंट पे, तो उसके लिए हम पैन टूल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास जूम टूल। जूम टूल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें क्योंकि एडिटिंग एक बहुत पेशेंस वाला काम है, और उसमें बहुत बारीकी से अंदर काम करना होता है। आपके पास एक 19 या 21 इंची मॉनिटर होता है, जिसके अंदर आपको देखना होता है कि कहीं पे कुछ ब्लैक ना चले जाए, कुछ बीच में छोड़ ना जाए, या कुछ बीच में कट लगाते हुए कुछ वो पोर्शन ना रह जाए कि जहाँ जो हमको यूज नहीं करना था। तो इसलिए हम उसकी टाइम लाइन होगी या उस वीडियोज को हमको जूम करने के लिए हम जूम टूल का यूज करते हैं। और अधिकतर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के लिए जूम टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उसको हर चीज जूम करके ही उसमें एडिट करनी होती है, ताकि उसमें गलती जाने की संभावनाएं कम हो। इसके बाद हमारे पास स्पीड टूल। स्पीड टूल का हम यूज करते हैं वीडियो की स्पीड के साथ छेड़खानी करने के लिए, अर्थात वीडियो को जैसे हमें उसकी स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है एडिट के दौरान, जब हम करते हैं कि कोई सपोज कोई गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी की स्पीड हमको बहुत, वो उसने बहुत फास्ट गाड़ी आई और हमको उसको स्लो करना है, तो हम उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए हम स्पीड टूल का यूज़ करते हैं। ऐसे उसमें बहुत जगह टूल्स का यूज होता है, जैसे कि आप ट्रेन का, जब ट्रेन जा रही होती है तो ट्रेन से अगर हमने कैमरे से शूट किया तो ट्रेन बहुत जल्दी आपके कैमरे के आगे से निकल जाएगी, तो आप देख भी नहीं पाएंगे उसे, तो उसको हमको स्लो करने के लिए एडिटिंग में स्पीड टूल का यूज करते हैं। इसी स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए अगर हम कैमरे पे बात करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि एडिटिंग से कैमरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एडिटिंग के लिए, तो स्पीड टूल्स को एक एडिट कैमरे में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, कि जैसे उसमें होता है हमारा शटर स्पीड होती है, हम उसकी जितनी कम शटर स्पीड रखेंगे हम उतनी स्लो, कैमरे में जितनी शटर स्पीड कम रखेंगे हमारा वीडियो जो है उतना जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत स्लो चले जाए, स्लो जाएगा, यानी हम अगर ऑटोमेटिकली उस पोर्शन में हमको रिकॉर्ड करके मिल रखा है, यानी वो ट्रेन जो थी वो स्लो मोशन में ही उसमें रिकॉर्डिंग है, तो हमको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर वो वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई है उस तरह से, वहाँ एक नॉर्मल शॉट आपके पास है तो आपको एडिटिंग के दौरान ही उसको स्लो करना होगा, और डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है स्टोरी में उसके हिसाब से। तीसरा है लिंक सेलेक्शन टूल्स, ये सिलेक्शन आपकी ऑडियो वीडियो को सेलेक्ट लिंक करता है, यानी जब हम एडिटिंग टाइमलाइन में वीडियो को रखते हैं तो उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें आती हैं और दोनों लिंक होती हैं, लेकिन हमको जो है एडिट दोनों चीज़ें करनी होती है, यानी हमें म्यूजिक लगाना है, कुछ लगाना है, उसमें वॉइस ओवर लगाना है, तो हम क्या करेंगे कि ऑडियो और वीडियो को अनलिंक करेंगे, तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। और जब भी सर हम वीडियो को टाइमलाइन में रखेंगे तो सबसे पहले हम वीडियो ऑडियो वीडियो को अनलिंक ही करते हैं, ताकि अगर हमें वीडियो में कुछ करेक्शन करनी हो तो इजीली हो जाए, और अगर हमें ऑडियो में कुछ करेक्शन करनी हो तो वो भी हो जाए। अगर वो दोनों ऑडियो वीडियो लिंक हैं तो वो उसमें कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तीसरा है, ये लास्ट है एडिटिंग सिलेक्शन टूल। ये एडिटिंग सिलेक्शन टूल इसलिए होता है कि जहाँ एडिटिंग के दौरान जितने कट्स हमारे टाइमलाइन पे वीडियोज पे लगे होंगे, वीडियोज या वीडियो ऑडियो पे कहीं पे भी कट लगे होंगे, तो ये सिलेक्शन टूल उस पोर्शन को सेलेक्ट करता है। तो जब आप 1.5 घंटे 2 घंटे कोई स्टोरी एडिट कर रहे होते हो तो वो बहुत बड़ी टाइमलाइन बन जाती है, जिसमें कि देखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एडिट पॉइंट कहाँ है, तो इस टूल का यूज करके हम डायरेक्ट कट पॉइंट यानी एडिट पॉइंट पे चले जाते हैं। तो ये हमारा एडिटिंग सिलेक्शन टूल है। अब जैसे ये है, आपके पास है ट्रिम एंड ब्लेंड टूल, ये हमारे पास ट्रिम टूल है, ट्रिम और ब्लेंड टूल, ये दो, ये हमारे पास एक वीडियो है इसको ट्रिम करने के लिए हमने जो है ब्लेंड टूल का यूज किया है। ब्लेंड टूल जो है ये पूरी एक वीडियो थी, इसको अगर बीच में से हमको कट करना है, इधर का पोर्शन अलग करना है, तो इसके लिए हमने ब्लेंड टूल का इसमें यूज किया है, तो ये हमारा ब्लेंड टूल का काम हो गया। सेलेक्शन टूल, अब ये हमारे पास एक एडिटिंग की टाइमलाइन का सीक्वेंस है, जिसमें हमारे पास 4 लेयर हैं। ये सबसे नीचे ऑडियो की लेयर है, उसके ऊपर वीडियो है, उसके ऊपर एक लेयर और है जो इफेक्ट है, हम इफेक्ट के बारे में बताएंगे, उसका इफेक्ट उसके ऊपर हमने लगा रखा है। तो अब हमने सेलेक्ट कर रखा है तीनों ट्रैकों को, इफेक्ट को भी, वीडियो को भी और ऑडियो को भी, तो ये हमारा सिलेक्शन टूल है। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये सिलेक्शन टूल है। इसी तरह से पैन टूल हमारे पास, ये पैन टूल को मैंने पहले ही कहा था कि हम ऑडियो को उसकी पिच को कम ज्यादा करने के लिए हम पैन टूल का यूज करते हैं। जैसे ये आप इसमें वेव में देख रहे होंगे, ऑडियो वेव फाइल में, ये जो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा है, तो इसको एक लेवल करने के लिए हमको पेन टूल का यूज करना पड़ता है। कहीं पे जहाँ पे हमारी ऑडियो ब्लास्ट हो रही है, जिस पॉइंट पे ब्लास्ट हो रही है, उस पॉइंट को डाउन करने के लिए पेन टूल का ही यूज किया जाता है, ताकि हमारी ऑडियो ब्लास्ट ना हो। इसी तरह से जूम टूल, ये हमारे पास जो जिस जूम टूल की हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास है, हम इसको वीडियोस को जूम करने के लिए, टाइमलाइन को नीचे जो हमारे पास टाइमलाइन है, अब हम आप इस पे देख रहे होंगे जैसे 5 वीडियो है, यानी 5 कट है इस पे, तो हमको बीच में कट में कोई भी गलती ना जाए, उसके लिए हमको जूम करना होता है, तो उसके लिए हम के जूम टूल का यूज करते हैं। अब ये है एडिट सिलेक्शन टूल। आपका जो ये आपको यहाँ साइड में आपके टूल्स आपको सारे ही टाइमलाइन के एक साइड में आपको मिल जाएंगे, जितने भी हमारे टूल्स होते हैं एडिटिंग के, सारे किसी भी सॉफ्टवेयर के साइड में आपको टूल्स दिखाई देंगे, जिसमें एडिटिंग सिलेक्शन टूल्स, ट्रिम, ब्लेंड टूल्स, पेन टूल्स, ये बेसिकली सारे ही सॉफ्टवेयर में ये टूल्स होते हैं, और इनका सबका एक ही वर्क होता है, इसमें किसी टूल्स का कोई अलग वर्क नहीं होता, सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है लेकिन टूल्स यही होते हैं, और वर्क भी उनका एक ही होता है। ये आपका एडिट सिलेक्शन टूल, आपको ये दिख रहा होगा जहां जहां पे कट है ये एडिट पे गया हुआ है, तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके
एडिट पॉइंट पे जाएगा ये। उसके बाद हमको एक एक करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके डाउन एरो से एडिट पॉइंट पे चले जाएंगे। तो ये हमारा एडिट सिलेक्शन टूल है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें लगता है। हमारे पास अब बात आती है वीडियो इफेक्ट की, हम वीडियो इफेक्ट कैसे यूज करते हैं, क्या क्या उसमें इफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास दो तरह के वीडियो इफेक्ट ही हमारे एडिटिंग उसमें होते हैं, एक वीडियो ट्रांजिशन होता है, एक वीडियो फिल्टर होता है। वीडियो ट्रांजिशन हमेशा दो क्लिप के बीच में लगता है, यानी दो क्लिप को वो मर्ज करने का काम करता है ट्रांजिशन। आप जिस ट्रांजिशन मतलब उसको जोड़ने का काम करता है, आप फ्लिप का लगा सकते हैं, आप कई तरह के ट्रांजिशन उसमें होते हैं अलग अलग तरह के, वो आप देखेंगे तो वो ट्रांजिशन हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं, वो किसी में एक फिक्स नहीं होते। और पेड जो सॉफ्टवेयर होंगे उसमें बहुत कम, एक दो ही ट्रांजिशन आपको मिलेंगे, जबकि जो पेड में आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे, जबकि जो फ्री वाले आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे उसमें बहुत कम ट्रांजिशन आपको मिलेंगे। तो ट्रांजिशन हमेशा दो क्लिप के बीच में लगेगा, यानी अगर सिंगल एक क्लिप है उसके बीच में जो हमें कोई ट्रांजिशन लगाना है तो उसमें हमको कट लगाना पड़ेगा, हमको ब्लेड टूल का यूज करना पड़ेगा, उसको कट करके उसके बीच में फिर हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है फिल्टर, वीडियो फिल्टर हम यूज करते हैं। वीडियो फिल्टर आप कह सकते हैं जैसे कि वीडियो फिल्टर हमेशा एक ही क्लिप पे लगता है, वीडियो फिल्टर दो क्लिप के बीच में नहीं लगता, वीडियो फिल्टर एक क्लिप पे लगेगा और वो वीडियो की क्वालिटी को चेंज करता है, यानी आपका कलर चेंज करता है, कलर थीम चेंज करेगा वो, आपका क्या कहते हैं उसको नए मोड में नए वर्जन में तैयार करने के लिए हम वीडियो फिल्टर का यूज करते हैं। वीडियो फिल्टर कई तरह का, जैसे अब सपोज हम बात करें क्रोमा की भी एक फिल्टर ही है, क्रोमा की ट्रांजिशन नहीं है, वीडियो फिल्टर है। उसमें हम कलर करेक्शन होता है, कलर करेक्शन भी आपका वीडियो फिल्टर ही होता है। किसी एक फुटेज का अगर हम कलर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कलर करेक्शन का, कलर फिल्टर का यूज करना होता है। इस तरह से उसमें और भी कई तरह के फिल्टर्स होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करते रहते हैं। कहीं पे हमें ब्लैक एंड वाइट करना है, कहीं पे हमें कुछ करना है, जूम करना है, जूम इन करना है, सारी फिल्टर्स हमारे उसमें अवेलेबल होते हैं। ये हमारे उसमें फिल्टर्स हो गए। अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हमारे जो है आज, अब हर कोई तो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के जरिए नहीं कर सकता या कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कुछ मोबाइल बेस्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन हैं उनसे भी कर सकते हैं, जैसे पावर डायरेक्टरी है, आई मूवी है, मूवी क्लिप्स है, क्विक ऐप है, इनशॉट है, वीएन ऐप है। ये हमारे जो जितने भी एप्लीकेशन है ये बहुत ईजिली हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं, उनसे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये अलग अलग उसके और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ये मोबाइल में कोई इनका पेड नहीं होते हैं। तो हम इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके एक लिमिट में वीडियो एडिट कर सकते हैं, यानी 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट आप इस पर एडिट कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें आप ज़्यादा लंबी वीडियो अगर इसमें एडिट करेंगे तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगी और उसको उसके प्रोसेस में दिक्कत होगी। तो आप जो है इन एप्लीकेशन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे आजकल छोटे छोटे ब्लॉग्स या फेसबुक ट्विटर के लिए आप इसका यूज भी कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर का यूज भी कर सकते हैं। हमारे पास इसके बाद आता है कि वीडियो फॉर्मेट, वीडियो हम एडिट तो हम कर लेंगे, जो भी हमारे पास फॉर्मेट्स हैं उसमें हम जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें हम इजीली वीडियो एडिट कर लेंगे, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में करना है ये हमें सबसे पहले दिमाग में रखना होता है। अर्थात आपको जब आप वीडियो एडिट कर रहे होते तो पहले ही आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, आपको यूट्यूब के लिए चाहिए, आपको फेसबुक के लिए चाहिए, आपको
ब्रॉडकास्ट यानी ऑन ईयर किसी टेलीविजन पर ऑन ईयर करना है उसके लिए चाहिए, तो क्योंकि हर एक फॉर्मेट के लिए वीडियो का जो जो उसकी रेजुलेशन है वो अलग होती है, उसका साइज बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए हमको पहले ये चीज़ ध्यान में रख लेनी चाहिए कि हमें किस फॉर्मेट पे वीडियो बनानी है, किस फॉर्मेट के लिए वीडियो बनानी है, तो ये चीज़ें हमको पहले ही क्लियर करनी है। सपोज हम यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो हमारी वीडियो जो है 720 1080 पे होनी चाहिए, या फिर 1080 1220 1280 पे हमारी वीडियो होनी चाहिए यूट्यूब के लिए, क्योंकि यूट्यूब में जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छे रेजोल्यूशन के साथ उसकी वीडियो एडिट करनी होती है। अगर हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर हमें वीडियो एडिट करनी है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर इन तीनों का एक ही साइज होता है, जो कि 800 800 में होता है, यानी 800 पिक्सल्स में होता है, 800 800 के पिक्सल्स में। तो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए जो हम वीडियो एडिट करते हैं वो इस फॉर्मेट में करते हैं। दूसरा है ब्रॉडकास्ट या फिर टीवी चैनल के लिए। ब्रॉडकास्ट के लिए हम करते हैं 1080 1920 पे, या तो 1080 1920 पे करेंगे, लेकिन हमारा जो उसमें फ्रेम रेट है वो 25 फ्रेम पर सेकेंड ही होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक पे हमारा जो फ्रेम रेट है वो 30 फ्रेम रेट पे भी हम उस पर प्ले हो जाती है, जबकि ब्रॉडकास्ट के लिए हमको 25 फ्रेम रेट पे ही उसको चलाना होता है। अगर क्योंकि हमारा जो फ्रेम रेट है हमारे फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है 25 फ्रेम पे ही उसको सपोर्ट करता है, तो इसलिए हमारा जो ब्रॉडकास्ट के लिए जो भी चीज़ हमारी कुछ भी ब्रॉडकास्ट के लिए जाएगा वो 25 फ्रेम पर सेकेंड ही होगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, उसके बाद आप इसको कई उसमें कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट वीडियो के फॉर्मेट ये अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए है, जिनमें कुछ जैसे होता है कि आपका डीवी जो फॉर्मेट होता था मोस्टली अब वो चीज़ नहीं चलती, क्योंकि HD अब फॉर्मेट आ गया है। तो HD का जो HD के तीन फॉर्मेट है, 1080 1280 ये पिक्सल्स में होता है, और 1080 1440 और 1080 1920 ये पिक्सल्स पर पिक्सल 25 पर सेकेंड्स होता है, जबकि 4K आपका 2840 2160 पिक्सल्स 25 फ्रेम पर सेकेंड्स होता है। तो ये डीवी और एचडी के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। 4K हमारा ऑन ईयर नहीं होता है क्योंकि वो 29 फ्रेम तक भी चले जाए, 29.97 फ्रेम तक भी होता है, तो इसलिए वो ऑन ईयर नहीं होता। हमारा ऑन ईयर एचडी पर ही ब्रॉडकास्ट टीवी के लिए जाता है, वो 25 फ्रेम पर सेकेंड पे ही जाता है, तो एचडी में ही वो ऑन ईयर होता है। ये एक वीडियो एडिटिंग के जो बेसिक वो थे ये हैं। उसके बाद आप अगर फेसबुक के लिए या अदर उसके लिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप जो ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें ऑटोमेटिकली उसका साइज क्रिएट करके दे देता है वो, उनमें क्रिएट उनमें बने हुए हैं फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम के लिए, तो उन्होंने उसमें 800 800 में 800 800 पिक्सल्स में सेट किए हुए हैं, तो आप उसको उसी फॉर्मेट में एडिट कर सकते हैं। दूसरा आप अब ये पिक्सल्स जो है आप 800 800 पिक्सल्स क्या होता है, ये पिक्सल्स जैसे 1080 1220 1280 पिक्सल्स है वो एक फ्रेम का है, यानी पिक्सल्स मीन्स होता है एक स्क्रीन के एक डॉट को एक पिक्सल्स कहते हैं, यानी एक स्क्रीन पे आपके 1080 1280 पिक्सल्स है, यानी इतने डॉट्स आपके स्क्रीन पे हैं, और उन डॉट्स से मिलकर एक फ्रेम बनता है, यानी एक फ्रेम में होते हैं आपके 1080 1280 पिक्सल्स, और एक इनका मिलके एक फ्रेम बनता है, और 25 फ्रेम मिलके एक सेकेंड बनाते हैं, उनको एक एक फ्रेम जब काउंट होता है, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है अगर हम
जनरल भाषा में देखें कि वीडियो होता है क्या, तो वीडियो क्या होता है, एक एक फ्रेम को जोड़ के ही वीडियो बनाई जाती है, यानी एक स्क्रीन एक फ्रेम में आपका 1080x1280 डॉट्स होते हैं जो कि एक फ्रेम बनाते हैं, और 25 फ्रेम मिलके एक सेकेंड बनाते हैं, और इस तरह से वो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो उसके बाद आपका सेकेंड से फिर मिनट, मिनट से फिर घंटे, उस हिसाब से आपका ये आगे चलता रहता है। तो वही पूरा एक वीडियो बनता है उससे। तो ये टोटल एक वीडियो का, कैसे हम वीडियो एडिट करेंगे, ये हमारे इसमें पूरा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या इसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बताएं। हेलो, ये गोपाल सर वीडियो आप प्ले कर सकते हैं? हाँ कर सकते जी, बताएं सर क्या करना है। वीडियो गोपाल सर के पास वीडियो प्ले करने की एक वीडियो है। गोपाल सर तो नहीं है सर अभी यहाँ पे। चलिए मैं देखता हूँ उसे, अगर मेरे से पाएगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेव कर रखा है, तो हम उसे ओपन करेंगे और फाइल में जाके। हो गया सर? सर आवाज वो अभी भी प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है, तो आप एक बार इसे स्टॉप करके फिर से शेयर करिए। ये प्रेजेंटेशन को पहले स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेव कर रखा है, तो हम उसे ओपन करेंगे और फाइल में जाके प्रोजेक्ट को पहले सेव सेव प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक लेआउट दिखाई देगा जिसमें पहले नंबर पे ब्राउजर, दूसरे पे व्यूअर और तीसरे पे कैनवस होता है। उसके नीचे ठीक नीचे हमारा हमको टाइमलाइन शो करती है, और टाइमलाइन के में ही हमारे सारे टूल्स एक साइड पे होते हैं। हम सबसे पहले फाइल में जाके फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जब हम इंपोर्ट करेंगे तो जो भी हमारी फाइल है जिसको हम एडिट करना है, वीडियो है, हम उसे जहाँ पे भी हमने जिस पाथ में से रखा हुआ है वहाँ से उसे इंपोर्ट करेंगे। हम जितनी भी फुटेज हैं, चाहे एक है, दो है, तीन है, सारी वीडियोज को हमको इंपोर्ट करना होगा। तो हम सारी फुटेज को जो है ब्राउजर में लाएंगे, और ब्राउजर की फाइल को हम जो है जब हमारी सारी फाइलें ब्राउजर में आ जाती हैं, तो हम इनको डबल क्लिक करके फाइल को हम व्यूवर में देख सकते हैं। ब्राउजर की ही फाइलें हमको व्यूवर में शो होती हैं, उसमें कुछ भी एडिट पोर्शन होगा तो वहीं हमको शो होगा। ब्राउजर से हम फाइल को ड्रैग करते हैं टाइमलाइन में, लेकिन हमको पहले टाइमलाइन की सेटिंग्स को देखना होता है कि हमारी सेटिंग्स प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। यानी जो हमारा जिस चीज के लिए हम एडिट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट, यूट्यूब, फेसबुक, उसका हमारा सीक्वेंस प्रॉपर है कि नहीं, तो फिर हम उसको उसकी सेटिंग देखेंगे, सीक्वेंस में जाके प्रॉपर से देंगे जो भी उसकी सेटिंग है, जैसे 1280x1080 है, 25 फ्रेम रेट है, जो भी है उसको पहले सेट करेंगे, और उसको सेट करने के बाद, उसे डन करने के बाद हम फिर फाइल को ड्रैग करेंगे टाइमलाइन में। टाइमलाइन में लाने के बाद अब हमारे पास फुटेज टाइमलाइन पे आ गई है, तो हम उसे एडिट करेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। हमें सपोज इतना पोर्शन लेना है और बाकी ये बीच का पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को कट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने हमारे पास एक टूल होता है ब्लेड टूल, ब्लेड टूल से हम कट लगाएंगे, अलग करके कट लगाएंगे और बीच का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। हरीश सर, तो हमारा स्टॉप है, मतलब आगे बढ़ नहीं रहा है वीडियो में, आगे नहीं बढ़ रहा सर। हाँ हमें नहीं चाहिए तो हमने हटा दिया, और पीछे की फाइल है ना, उसे आगे ट्रैक करके लगा देंगे जो भी इसकी सेटिंग है। जैसे सर ये प्लेलिस्ट में यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है, उसके आगे ये 7.28 है। मैं दोबारा प्ले कर दूं सर? नहीं नहीं, अब दिख रहा है। जो भी है उसको पहले सेट करेंगे, और ब्राउजर में लाएंगे, और ब्राउजर की फाइल को हम जो है
जब हमारी सारी फाइलें ब्राउजर में आ जाती हैं तो हम इनको डबल क्लिक करके फाइल को हम व्यूवर में देख सकते हैं। ब्राउजर की ही फाइलें हमको व्यूवर में शो होती हैं, उसमें कुछ भी एडिट पोर्शन होगा तो वहीं हमको शो होगा। ब्राउजर से हम फाइल को ड्रैग करते हैं टाइमलाइन में, लेकिन हमको पहले टाइमलाइन की सेटिंग्स को देखना होता है कि हमारी सेटिंग्स प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। यानी जो हमारा जिस चीज़ के लिए हम एडिट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट, यूट्यूब, फेसबुक, पहले उसका हमारा सीक्वेंस प्रॉपर है कि नहीं, तो फिर हम उसको उसकी सेटिंग देखेंगे, सीक्वेंस में जाके प्रॉपर से देंगे जो भी उसकी सेटिंग है, जैसे 1280x1080 है, 25 फ्रेम रेट है, जो भी है उसको पहले सेट करेंगे। और उसको सेट करने के बाद, उसे डन करने के बाद हम फिर फाइल को ड्रैग करेंगे टाइमलाइन में। टाइमलाइन में लाने के बाद अब हमारे पास फुटेज टाइमलाइन पे आ गई है, तो हम उसे एडिट करेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। हमें सपोज इतना पोर्शन लेना है और बाकी ये बीच का पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को कट करेंगे। तो उसके लिए हम उसमें, हमारे पास एक टूल होता है ब्लेड टूल, ब्लेड टूल से हम कट लगाएंगे, सेलेक्ट करके कट लगाएंगे और बीच का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। तो हमारा जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए था हमने हटा दिया और पीछे की जो फाइल है उसे आगे ट्रैक करके उस पर लगा दिया। अब हमें ये पोर्शन इतना चाहिए, बाकी का पोर्शन हमें नहीं चाहिए, तो हमने उस पोर्शन को भी हटा दिया और पीछे जहां तक हमें नहीं चाहिए था वो बीच का पोर्शन हमें फिर सेलेक्शन टूल लेके उसको हटा के आगे उसके साथ एड ऑन कर दिया। फिर जो भी जितना भी हमें पोर्शन चाहिए, जो हमें एडिट करना है, उस चीज को हम लेंगे और फिर बाकी हटा देंगे। अब हम चाहते हैं कि पीछे लोगो आ जाए, एंडिंग जो होता है वो आ जाए, तो हमने वो फाइल ब्राउजर से उठा के हमने उस पर लगा दी, तो ये हमारी एक फाइल कंबाइल हो गई और पूरा एक सीक्वेंस बन गया कि ये चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं दो क्लिप के बीच में हम कुछ इफेक्ट आए, ट्रांजिशन आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट में जाके ट्रांजिशन यूज करेंगे। इसमें ट्रांजिशन को हमने उठाया और ट्रांजिशन को हमने दो क्लिप के बीच में लगा दिया। ट्रांजिशन हमेशा दो क्लिप के बीच में ही लगता है, और फिर दूसरे कट पे हम कट पॉइंट पे दूसरी तरह का ट्रांजिशन लगा सकते हैं, तो हमको कुछ वीडियो का लुक चेंज हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसका कलर करेक्शन करें, इसके कलर चेंज करें, इसका थोड़ा शार्प करें, तो हम फिल्टर में जाके कलर करेक्शन लेंगे और इस पर वीडियो में डालने के बाद उसको सेट करेंगे। वीडियो हम जिस हिसाब से हम उसका कलर चाहते हैं, जिस भी थीम पे हम चाहते हैं, हम उस थीम पे उसको करेंगे और सारे पे एक जैसा कलर कलेक्शन को ही कॉपी करेंगे, ताकि उसकी थीम अलग अलग ना हो, कलर चेंज ना हो, और ये कम्प्लीटली हमारा एक वीडियो तैयार हो गया। कलर करेक्शन, ट्रांजिशन और कट लगा के जो भी हम जितना भी हमको चाहिए था, बाकी जो अनवांटेड फुटेज थी हमने वो सब रिमूव कर दी है। तो हमारे पास जो भी चीज़ें थी, जितना भी हमारे पास वीडियो मटेरियल था, हमको उसका एग्जैक्ट वीडियो चाहिए थी, वो हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक क्रॉप टूल होता है, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा क्रॉप कर दें साइड से, तो हम क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं, कैनवस में जाके वीडियो को साइड बाय साइड क्रॉप कर सकते हैं, तो उससे हमारी वीडियो आसानी से क्रॉप हो जाएगी। लेकिन हमारा जो ये वीडियो है, लोगो है, अगर हम उसे क्रॉप करेंगे तो साइड से कट जाएगा, तो इसलिए हम उसको क्रॉप नहीं करेंगे, जैसा है एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एनिमेटेड है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है, तो उसका एग्जैक्ट फ्रेम पे बनाया गया है। लेकिन कई बार हमारे पास कुछ ऐसी फुटेज आ जाती है जिनको हमको क्रॉप करना होता है, तो हम क्रॉप टूल का यूज आसानी से कर लेते हैं। तो ऑल ये हमारी कंप्लीट वीडियो तैयार हो गई जो हमें चाहिए थी। उसके बाद हम इसको आउट निकालेंगे और किसी भी नाम को सेव करके जो भी हमें से लेना होगा, और इसको बाहर अपने किसी भी लोकेशन में आउट में जा सकते हैं, तो हमारी एक फाइल कंप्लीट हो गई। हम इसे बाहर देख सकते हैं कि हमने किस नाम से कहाँ सेव किया था, तो ये हमारी वीडियो तैयार हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन क्रोमा, ग्रीन जिसको हम क्रोमा कहते हैं, उसमें भी हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कि हमारे ग्रीन बैकग्राउंड में कुछ चीज़ शूट हुआ, हम चाहते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड चेंज आए, तो हम कुछ भी एक फुटेज रख के जो भी हमारे पास है शूट का, उसके नीचे हम बैकग्राउंड रख लेंगे। सपोज हम इसी फुटेज को रख लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, कि हमें इसके नीचे रखना हो, तो हमने इसी फुटेज को रख दिया, हमने इसकी ऑडियो हटा दी और इसको रख दिया। इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और की का एक फोल्डर होगा, की में हम
क्रोमा कीयर ढूंढेंगे, क्रोमा कीयर हम इसमें डालेंगे। क्रोमा कीयर के बाद हम इसका सिंगल कलर पिक करेंगे, जिस कलर का इस पर बैकग्राउंड है, यानी ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का करेंगे। जैसे ही हम उसे सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फिर उसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, कम ज़्यादा जहाँ पे भी हमें ये रखना है वहाँ पे हम उसको रखने के बाद हमारा एक कम्प्लीटली वीडियो तैयार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो हम उसको कर सकते हैं, ऊपर टॉप पर रख सकते हैं, उसका कलर सेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम चाहें उसको आसानी से उसको कर सकते हैं। और उसके एक सामने सेट करके हमारा एक कंप्लीट वीडियो तैयार हो गया। फिर हम इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट करके जिस भी नाम से हमको सेव करना है हमें सेव कर सकते हैं, और हमारा ये वीडियो कम्प्लीटली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम एक वीडियो को जो है आसानी से एडिट कर सकते हैं, जिसमें बेसिक टूल हमारे जिनका हम अधिकतर यूज करते हैं, जैसे कि एडिट के लिए ब्लेड टूल का हम यूज करते हैं, ट्रिम का करते हैं, क्रॉप का करते हैं, पेन टूल का करते हैं। इस तरह से कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, और ये टूल्स सभी सॉफ्टवेयर में आसानी से उपलब्ध होते हैं, और चाहे फ्री हो चाहे पेड, किसी भी सॉफ्टवेयर में ये बेसिक टूल्स होती है, जैसे आपका ट्रिम का हो गया, पेन टूल हो गया, क्रॉप का हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया। कुछ वीडियो एडिटिंग के कुछ ट्यूटोरियल्स है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपका काफ़ी कुछ इसमें मिला होगा, या आपकी जो कुछ हेल्प हो पाए इसमें आगे, आप अगर वीडियो एडिटिंग कुछ करना चाहें। और हेलो जी सर, जी सर आपकी कंप्लीट हो गई है? जी धन्यवाद सर, आपका आपका सेशन काफी इंटरेक्टिव था, और मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट ने काफी सीखने को मिला होगा।